डीमन स्लेयर का नया सीजन इज हियर एंड इट इज वियर्ड। क्या वियर्ड है इफ यू आस्क? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 12 मई को होती है, विच इज डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ द सीजन, अप्रैल में जून। उसमें भी जो एपिसोड नंबर 1 देखने मिला 50 मिनट का, ये वही एग्जैक्ट एपिसोड है जो मूवी के अंदर दिखाया था 1.5 महीने पहले, तो जिन लोगों को देखने नहीं मिला क्योंकि उनके आसपास रिलीज नहीं हुई, थिएटर नहीं है, अब जाके देख लो और जज करो कि मूवी के अंदर नए कंटेंट के नाम पे क्या दिखाया था। तांजिरो एंड टीम रिकवरिंग, विच इज एक्चुअली फाइन, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो देखने में थोड़ा बहुत मजा आता है, लेकिन अगर तुमको मेरा टोन थोड़ा पिस्ट ऑफ लग रहा है, ग्रंपी 40 ईयर ओल्ड जैसा साउंड कर रहा हूँ, रीजन आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन इस सीजन के अंदर जो नया कंटेंट, ये बहुत बार कर रहा हूँ मैं क्योंकि डीमन स्लेयर डिजर्व्स इट, नया नवीला माल अपने को अगले हफ्ते मतलब कल देखने मिला एपिसोड नंबर 2 में, और वो भी एक्चुअली वियर्ड है क्योंकि वो पूरा का पूरा एकदम सीरियस मोड में चलता है, और वो भी डीप में जाके। इंट्रो के बाद ही तांजिरो को मिशन दे दिया कि जा वाटर हाशिरा गियो के पास। बंदा थोड़ा दुखी है, पूछ क्यों, क्या दिक्कत है, और जो सारे शोनन प्रोटैगनिस्ट करते हैं अपना जादू चला बातों से मना। पूरे के पूरे एपिसोड में हम लोग सिर्फ यही देखते हैं, जिसको एक्चुअली अच्छे तरीके से हैंडल किया क्योंकि ऐसे इंसान को अप्रोच करना है जिसने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया है, अप्रोच दी अनअप्रोचेबल। तो अगर तुम्हारे जान पहचान में भी कोई इंट्रोवर्ट है जो ज्यादा बातें नहीं करता, तो उसको कैसे बात करने पे मजबूर करें, स्टॉकर बनके दिन रात उसके नाक के नीचे लगे रहो, खाना देने के बहाने घर घुस जाओ और महीना भर वहीं पे रहो जब तक वो मान नहीं जाता। लेकिन एक्चुअली जब अपने को रीजन पता चलता है गियू के इस बिहेवियर के पीछे, आज तक वो रिग्रेट में जी रहा है, इतना कि वो अपने आप को वाटर हाशिरा मानता भी नहीं। और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तांजिरो क्या करेगा, कैसे मनाएगा उसको। मैंने इंटरनेट के स्पॉइलर से बचने के लिए खुद को ही स्पॉइल कर दिया था, इसकी स्टोरी ओवरऑल रिकैप में देख ली है, मोटे मोटे पॉइंट्स पता है क्या होते हैं, लेकिन ये डिटेल्स नहीं छोटे छोटे। तो इसीलिए जब वो एक लाइन मारता है कि उस वादे का क्या हुआ, उस भरोसे का क्या हुआ जो मरने वाले इंसान ने तेरे ऊपर डाला था, एंड गिव्स लाइक ओ थप्पड़, नॉट गोना लाइ, अच्छा मोमेंट है। और उसके रिएक्शन में जो तांजिरो का पीछे कॉमेडी चल रहा है, आई लाइक्ड इट, मजा आया। पहला एपिसोड तो मूवी का पार्ट था, प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेड टू अनसिग्निफिकेंटली, इसलिए उसकी क्वालिटी ऊपर होना एक्सपेक्टेड है। बट एपिसोड 2 को भी ले लो, इसका एनिमेशन, इसका स्कोर, जो मूवमेंट्स दिखते हैं, दे आर गुड। डीमन स्लेयर के अब तक के हाई मेंटेन किए हुए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, जिसके कारण इस नए सीजन को लेके मेरा ओवरऑल ओपिनियन पॉजिटिव होता अगर इसमें पैसा लगाने वाले लोगों ने गांजा मार के डिसीजन नहीं लिया होता, क्योंकि अभी हम लोग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पे हैं और ये इतना छोटा है ना कि देयर विल बी लाइक 8 और लेस एपिसोड्स। अभी जिस शेड्यूल से चल रहा है, जून 30 को इसका 8वां एपिसोड आएगा, अगर 8 बनाए होंगे तो, कम भी हो सकता है। ये तुम सोच रहे हो गरम करके ठंडा छोड़ देने वाली बात हो गई कि तुम नया सीजन ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन ऐसे खत्म। और यहाँ पे जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं तो एक ट्रेंड नोटिस होता है कि सीजन 1 के अंदर 26 एपिसोड थे, सीजन 2 के अंदर 18 और थर्ड के अंदर 11, फोर्थ में 8 और लेस। ऊपर से एक साल के अंदर अंदर ही नए सीजन ड्रॉप कर रहे हैं। पिछला वाला अप्रैल में स्टार्ट हुआ था 1 घंटे के एपिसोड के साथ, और जून 18 को खत्म हो गया था 1 घंटे के एपिसोड के साथ। इसमें इशू क्या है? अगर प्रोडक्शन कमेटी का सबसे मेन प्रायोरिटी पैसा कमाना नहीं होता, तो ये 1.5 महीने पहले दिखाई हुई मूवी के नाम पे जुगाड़ और करंटली चालू सीजन के नाम पे मजाक अवॉइड करके थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेके कुछ सब्सटेंशियल अपने सामने रखते तो मेरे को और ज्यादा वीडियो बनाने देखो, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि अपने को और ज्यादा एपिसोड्स इस सीजन में देखने मिले, क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, 8 एपिसोड आएंगे नहीं आएंगे नथिंग। लेकिन यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव कोर्स देना कि जून के बाद भी एपिसोड्स आते जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक साल ही मिला है उनको बनाने के लिए, और एक साल में 20-22 एपिसोड का सीजन वो गिरा देते हैं तो भैया बहुत बड़ी सलामी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होगा नहीं, और इसके कारण जो तुम ये इमोशनल बिल्डअप इस सीजन के अंदर दे रहे हो एपिसोड 2 में अपने को देखने मिला, इट विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, हो रहा है और खत्म। अब उसका आगे देखना तुम 1-1.5 साल बाद, क्योंकि व्हाट हैपेंस इन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टेज इन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। मैं इस पूरे सीजन को वियर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीमन स्लेयर के हिसाब से सोचो, इसमें ना तुमको कोई बड़ा बैटल देखने मिलेगा, ना कोई बड़ा डीमन आएगा, लास्ट के 5 मिनट छोड़ देता हूँ, बचे कुछ जितने भी एपिसोड्स तुम्हारे सामने रखेंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होने वाली है। बस तीनों मेन कैरेक्टर्स को एक बड़ा पावर अप दिया जाएगा, ताकि अब तक वो जो लो लेवल डीमन्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, बड़े लेवल डीमन्स के साथ जाके स्ट्रगल करें। और मैंने जो इमोशनल बिल्डअप वाली बात बोली उसमें से एक तुमने देख लिया, वाटर हाशिरा का, स्टोन हाशिरा का भी बैकग्राउंड जानोगे, और शिनाजीगावा ब्रदर्स उनका क्या लफड़ा चल रहा है, साथ में जेनित्सु को एक ऐसे अवतार में जो आज तक नहीं दिखा। तो जिस पॉसिबिलिटी के साथ ये सारी चीजें चल रही है ना, एक इतने बड़े क्लिफहैंगर पे खत्म होगा, तुम बोलोगे बस यहाँ पे रुक गए। इसके आगे वो लोग 2 सीजन निकालेंगे फुल और एकदम पूरी की पूरी फाइट, लाइक अंधाधुन सुबह से लेके शाम तक। इसलिए मैंने बोला कि दिस सीजन इज वियर्ड। अगली मेजर फाइट के साथ निकालते, जिसमें तुमको पहले 5 एपिसोड में वो इमोशंस दिखाए हैं, फिर उसके बाद बैटल चालू हो गई और तुम 6 महीने तक ये चीज एक्सपीरियंस करते जा रहे हो। लेकिन नहीं, हाँ सब्सक्राइब।